नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी एप्लीकेशन की जो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और ये एप्लीकेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन है दोस्तों। और इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, इसके ऊपर मैं एक दो या तीन वीडियो की वीडियो सीरीज़ बनाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में ये समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो सकता है और हो सकता है आप लोगों को एक बार में समझ में आने में भी दिक्कत हो। इसलिए दोस्तों, इसका नाम है ऑफिस, आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। मैंने इसको जो है इंस्टॉल किया हुआ है। आप इसका सबसे पहले रेटिंग देख सकते हैं, 4.7 इसकी रेटिंग है, 100 मिलियन से ज़्यादा उसको डाउनलोड मिल चुके हैं। दोस्तों, आप इसको यहाँ से जो है डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ये जो है यहाँ पर दिखता है। और आपको मैं दिखा दूँ, जब आप यहाँ पर दोस्तों उसको पहली बार लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट एक बनाना होगा, या जैसे आप ये मेरी जीमेल आईडी देख पा रहे हैं, आपकी कोई जीमेल आईडी है तो आप वहाँ से भी इसको दोस्तों जो है लॉगिन कर सकते हैं। आप कनेक्ट कर सकते हैं और भी अकाउंट को, कुछ क्लाउड की फाइल्स हों, अटैचमेंट्स हों, नोट्स हों। और यहाँ आप देख रहे हैं, अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो आप गो प्रीमियम पर जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि ये मुझे अभी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा है पर मंथ के हिसाब से, और यहाँ पर जो प्रीमियम में आपको मिलेगा वो 1 TB तक का क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। लेकिन अभी हमें प्रीमियम पे ना जाकर जो है इसका फ्री वर्जन जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सेटिंग्स मिलेगी, सेटिंग्स में आप जो है इसको अपनी तरीके से कह सकते हैं कि कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर, और आप देख रहे हैं यहाँ नीचे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, होम, एक प्लस का साइन दिख रहा है और एक दिख रहा है आपको एक्शन। दोस्तों, यहाँ प्लस के साइन पर जाने के बाद यहाँ देखिए नोट्स, स्कैन और वॉइस, ये जो अभी नया इन्होंने फीचर लगाया है। और नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप वर्ड में भी काम कर सकते हैं, एक्सेल पे भी काम कर सकते हैं, पावर पॉइंट पर भी काम कर सकते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्म्स भी बना सकते हैं, जैसा कि आपने हमारे पुराने वीडियोज़ में देखा है, गूगल के द्वारा आप जो गूगल फॉर्म बनाते हैं सर्वेस के लिए या कोई डाटा कलेक्ट करने के लिए, उसी तरीके से आप यहाँ भी फॉर्म बना सकते हैं। ये हम हमारे इस वीडियो सीरीज़ में जो है नेक्स्ट वीडियोस में इनको लेंगे। और दोस्तों, यहाँ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी उतने ही ज़्यादा पावरफुल हैं जिस तरीके से आप कंप्यूटर में इन्हें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों आप देखिए, आप नोट्स देख पा रहे हैं, ये नोट्स का ऑप्शन है और आप यहाँ पर जो है नोट्स लिख सकते हैं। नीचे आप इफेक्ट देखें, आप बोल्ड कर सकते हैं इसको ईजिली, आप दोस्तों इसको इटैलिक कर सकते हैं, आप इसको जो है दोस्तों अंडरलाइन कर सकते हैं। और ये इसी तरीके से आपको अलग अलग फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ नोट्स को लिखने के बाद आप यहाँ पर अलग अलग मीडियम पर जो है जाकर शेयर कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपको इस तरीके से कुछ नोट्स दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पर कितने बजे सेव हुआ, ये नोट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ों के लिए यहाँ नोट्स बनाए जा सकते हैं। उस तरीके से दोस्तों यहाँ पर स्कैन आ रहा है, और स्कैन करके आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, वो भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये एक वॉइस का ऑप्शन है। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, यहाँ एक्शंस पर जब आप जाएंगे तो दोस्तों यहाँ भी बहुत सारा हम कह सकते हैं एक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने खजाना भरा हुआ है। साइन, एक PDF पर साइन किए जाने हैं, किस तरीके से PDF पे साइन होते हैं ये भी मैं आपको इस पूरी श्रृंखला का वीडियो जो है आपको बताऊँगा। स्कैन करना हो, स्कैन टू PDF, पिक्चर्स को PDF बनाना हो, एक PDF क्रिएट करना हो पिक्चर्स की, कन्वर्ट करना हो किसी डॉक्यूमेंट को PDF में, कन्वर्ट अ PDF टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। इसी तरीके से दोस्तों इमेज टू टेक्स्ट, अगर आपकी किसी इमेज में कोई टेक्स्ट लिख रहा है, ये भी जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा इसमें ऑप्शन है। हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है इमेज में होती हैं और उसको टेक्स्ट के फॉर्म में करना होता है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि आप अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप किस तरीके से इमेज को टेक्स्ट में कर सकते हैं, वो वीडियो भी मैं आपको यहाँ ऑप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इमेज टू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों, जैसे ही ये जो है कैमरा हमने यहाँ पर इसका फोटो लिया, और फोटो लेने के बाद आप देखिए यहाँ पर हमने इसको ये कैप्चर कर लेना है, और हम जैसे ही कंटिन्यू करेंगे दोस्तों तो ये जितने भी शब्द यहाँ लिखे हैं एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे और ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपको जो है यहाँ से करके देने वाला है। आप इसको जो है कॉपी कर सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए डिटॉल किल्स, ये जम्प्स जो भी लिखा हुआ है, इंस्टेंट विदाउट हैंड वाटर सैनिटाइजर ओरिजिनल, ये आप यहाँ से दोस्तों कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। आप इसको दोस्तों यहाँ से जो है शेयर भी कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ देखिए आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, ये आपको अलग अलग
उसमें जो है लैंग्वेज भी आपको मिल जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। और इसी के साथ यहाँ देखिए एक्शन में इमेज टू टेबल्स, अगर आपके कोई इमेज है उसमें टेबल बनी हुई है तो आप यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद उसको एडिटेबल टेबल भी बना सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं क्यूआर कोड को। यहाँ से जो सर्वे फॉर्म बनाना है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में दूंगा। ट्रांसफ़र कर सकते हैं फाइल्स को और शेयर कर सकते हैं, नियर बाय का ऑप्शन अगर आपके फ़ोन में इनेबल है तो आप यहां से दोस्तों उसको शेयर कर पाएंगे। तो आपको दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने बताया किस तरीके से ऑफिस जो है ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, इसका यूज़ किस तरीके से किया जाना है। ये आपको यहाँ पर रिसेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ आप आएंगे तो शेयर दिखेगा, जो आपने किसी के साथ शेयर किया होगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें आपको जो है ये आप देख रहे हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट फॉर्म्स, इनको कैसे यूज़ किया जाना है ये भी हम आपको बताएंगे। और एक्शंस में जाने के बाद पीडीएफ, ये कितने तरीके से आप इसको जो है बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है इसको लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, और भी आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं। ये सीरीज़ पूरी इसी तरीके से इस एप्लीकेशन के पास आएगी और आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारत।